हेलो फ्रेंड, ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पार्ट 5 ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेकर आ रहे हैं। हमारे 4 पार्ट ऑलरेडी आपके बहुत पसंद आए हैं आप लोगों को, और हमें वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्लियर करेंगे, देन फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिटेन्ड अर्निंग, फिर उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल सम्स देखेंगे कि फॉर्मूला के बेस पे प्रैक्टिकल सम्स कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ वेटेज एवरेज को डिस्कस करेंगे। राजू, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये हमारे पास वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ वेटेज एवरेज है, अगर एग्जामिनर ने 15 मार्क्स के लिए सेट करना हो तो आपका वेटेज एवरेज वाला सम आता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसका कॉन्सेप्ट भी करने जा रहे हैं, फॉर्मूला भी करने जा रहे हैं, और प्रैक्टिकल सम भी हम इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। और मैंने ट्राई करा है थोड़ा सा लेवल वेटेज एवरेज का डिफिकल्ट वाला प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने के लिए, सो दैट आपके जो अभी जुलाई में एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए आपको हेल्पफुल रहे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर कर देती हूँ। जो हमारा ये चैप्टर है राजू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमारा चैप्टर क्या है, हम राजेश चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर कर रहे हैं। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी की बात हो रही है जी, चंडीगढ़ की बात हो रही है, अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसमें जो हमने स्पेसिफिक सोर्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल करी है, लाइक आपने इक्विटी की करी है, डिबेंचर की करी है, हमारी जो पिछली सीरीज गई है, प्रेफरेंस शेयर्स की करी है, और आज की सीरीज में आप क्या करने वाले हो, रिटेन्ड अर्निंग करने वाले हो। इनमें से कोई भी एक के ऊपर आपको 5 मार्क्स के लिए सम जो है क्वेश्चन पेपर में सेट होता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ 15 मार्क्स के लिए। ये चैप्टर की अगर मैं वेटेज दूं 15 मार्क्स के लिए तो 20% है, और 80% इसकी अगर मैं वेटेज दूं तो 5 मार्क्स के लिए है। इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, इस चैप्टर की वेटेज प्रैक्टिकल 5 मार्क्स के लिए बात करी जाए तो 80% है, बट 20% केसेस में 15 मार्क्स पे भी क्वेश्चन सेट हो जाता है। तो उस केस में जो क्वेश्चन सेट होता है वो आपको होता है वेटेज एवरेज से। अगर एग्जामिनर ने आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन सेट करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से, तो वो क्या उठाता है, वेटेज एवरेज मेथड। बट वेटेज एवरेज मेथड को भी आने के लिए हमें ये वाले स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये इसके पार्ट ही आता है वेटेज एवरेज का। आज आप करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि हमें पहले इन सारे स्पेसिफिक सोर्सेज की क्या आनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी को ही क्लब करके ये वाला जो हमारे पास वेटेज एवरेज मेथड है ये इन्वेंट हुआ है। तो ये आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपसे डिस्कस करा है, क्योंकि एग्जाम आपके आने वाले हैं तो आपका माइंडसेट वैसे होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर आपने कैसे प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि मार्क्स जो होते हैं वो स्मार्ट वर्क के साथ आते हैं जी, हार्ड वर्क भी प्ले करता है। बट अगेन मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी जो मैं रेशियो कहूंगी वो 30:70, 70 इज योर स्मार्ट वर्क और 30 इज योर हार्ड वर्क। आप
हार्ड वर्क तो करिए लेकिन उसको स्मार्ट वर्क के साथ करिए, कि कौन सा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सो दैट उन क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम लगाइए। देन और जो आपके पास जैसा आपका क्राइटेरिया है, आप थ्योरेटिकल में जाना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल में जाना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग अपने हार्ड वर्क को डिवर्ट करिए। ठीक है जी, चलिए अब हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमने आज के इस टॉपिक में आपको वेटेज एवरेज का कॉन्सेप्ट भी करवाएंगे, फॉर्मूला भी करवाएंगे और प्रैक्टिकल सम भी इसके बेस शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलिए आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, राजू आपने हमारी सीरीज देखी है तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सिंबल की बात करते हैं। तो इसका जो सिंबल रहता है, किसका सिंबल रहता है राजू, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का जो हमारे पास सिंबल रहता है वो रहता है के आर। ठीक है जी, और इसको जब कैलकुलेट करना होता है, मैं टू पार्ट में इसको क्या करती हूँ, कैलकुलेट करती हूँ, विदाउट कंसीडरिंग टैक्स और आफ्टर कंसीडरिंग टैक्स। ठीक है, कैसे होता है ये देखते हैं हम। पहली बात तो ये है कि आप लोगों को रिटेन्ड अर्निंग का मतलब पता होना चाहिए कि रिटेन्ड अर्निंग होती क्या है राजे। ठीक है ना, रिटेन्ड अर्निंग को हमारा प्लस वन प्लस टू में हमारे पास आता था फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्रेटिकल का पांच नंबर का क्वेश्चन आता होता था हमें, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ये कुछ भी नहीं होते, ये रिटेन्ड अर्निंग होता है, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स जो होते हैं वो रिटेन्ड अर्निंग होते हैं। अब ये होते क्या है जी, कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं, उसको वो दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक तो वो डिविडेंड दे देती है, खर्चे खुर्चे निकालने के बाद, इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर सब निकालने के बाद, एक तो इक्विटी और प्रेफरेंस को डिविडेंड दे देती है और कुछ पार्ट वो रिटेन्ड कर लेती है ताकि वो कंपनी की फर्दर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर सके। वो अपने पास एक तरह से ये क्या रख लेती है, सेविंग रख लेती है, जो आपके पास कंपनी की फर्दर ग्रोथ में काम आती है। अब जो ये रिटेन्ड अर्निंग है, इसके भी आपकी आपको भी इसकी तो कोई कॉस्ट होती नहीं है, कंपनी को थोड़ी ना पे करनी पड़ती है कोई कॉस्ट। बट राजू उसने अपनी सेविंग रखी, सेविंग रखी तो वो कहीं पे इन्वेस्ट भी करेगा तभी उसको रिटर्न मिलेगी। इन्वेस्ट जब वो करेगा उन सेविंग को तो उसके ऊपर कुछ रिटर्न मिलेगी, है ना, तो इसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहती है। वही हम आज क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने टू पार्ट में क्या करा है, डिवाइड करा है, विदाउट कंसीडरिंग टैक्स एंड आफ्टर कंसीडरिंग टैक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पहले हम इसके क्या करते हैं राजू, फॉर्मूलास करते हैं। ठीक है, फॉर्मूलास करेंगे फिर हम प्रैक्टिकल सब पे मूव करेंगे। चलिए फॉर्मूला करते हैं पहले, फॉर्मूला फॉर्मूला करने से पहले सबसे पहले सिंबल लिखा जाता है के आर, और ये मैं केस क्या कर रही हूँ, विदाउट कंसीडरिंग टैक्स। आपने अगर मेरी लास्ट सीरीज देखी है तो उसमें हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी करवाया था, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आएगा राजे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला, डी वन अपॉन नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस जो भी आपको गिवन रहेगा इनटू 100। डी वन को हम कैसे कैलकुलेट करते थे, अगर आपने लास्ट सीरीज देखी है तो आपको पता होगा। राजे मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि ऐसे जंप मत करिए फाइव पार्ट पे फोर पार्ट पे, आप वन पार्ट से देखना शुरू करिए, सो डेट आपको सारा चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो। तो डी वन को फाइंड आउट करने के लिए, डी वन होता क्या है जी, D1 होता है एस्टिमेटेड डिविडेंड
at the end of the year. ठीक है, एस्टिमेटेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, या तो ये गिवन होएगा या फिर आपके पास ये गिवन होगा. ये क्या है, प्रीवियस ईयर डिविडेंड, प्रीवियस ईयर डिविडेंड, प्रीवियस ईयर डिविडेंड, जिसमें आप ग्रोथ रेट प्लस करके फाइंड आउट कर देते हो. या तो D1 लगेगा अगर इस साल का एस्टिमेटेड डिविडेंड आपको एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है, नहीं तो पिछले साल का दे रखा है तो ये फॉर्मूला D1 की जगह पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, D0 वन प्लस G अपॉन NP और MP जो भी क्वेश्चन में दिया रहे. ये हमने क्या किया है, विदाउट टैक्स फॉर्मूला किया है. और अगर आप एक बार देखें तो ये KE का ही क्या है, फॉर्मूला है. ठीक है, अब हम कौन सा करेंगे फॉर्मूला, आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स. तो ये कहा जाता है कि जो रिटेन्ड अर्निंग है, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, और इन्वेस्ट करते हो तो कुछ ना कुछ आपको फ्लोटेशन चार्जेस भी देने पड़ेंगे, है ना. तो इसलिए ये फॉर्मूला बन के आया है आफ्टर टैक्स वाला. मैं अब करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन बताएगा अगर टैक्स रेट फ्लोटेशन कॉस्ट दी हुई है तो ये फॉर्मूला लगा देना, अगर नहीं दिया हुआ तो जस्ट लाइक ये जो फॉर्मूला है वो KE की तरह कैलकुलेट होता है. तो यहाँ पे हम लिख देते होते हैं KE क्यों, क्योंकि वही फॉर्मूला लगना है, 1 minus T 1 minus D. ये मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग KE का कोई क्या फॉर्मूला है बच्चा, वही D1 अपॉन नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस इनटू 100 और इसमें 1 minus T और 1 minus B हो जाएगा. अब हम ये देख लेते हैं इनकी टर्मिनोलॉजी कहाँ पे क्या है. ये मैंने टर्मिनोलॉजी आपको ऑलरेडी क्लियर कर रखी है. यहाँ पे हमारे पास टी की बात कर रहे हैं तो टी फॉर मेरा टैक्स होता है, बी फॉर मेरी क्या रहेगी, फ्लोटेशन चार्जेस. डन राजू, ये मेरा आफ्टर कंसीडरिंग टैक्स का फॉर्मूला है, किसका, के आर का. के आर इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. अब इसके बेस पे हम एक क्या देख लेते हैं, सम देख लेते हैं, प्रैक्टिकल सम देखते हैं हम अपना. ये रहा जी हमारे पास सम. अब फॉर्म KE इज 15%, उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 15%, द एवरेज टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर इज 40% एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट 2% इज ब्रोकरेज कॉस्ट दैट द शेयर होल्डर विल हैव टू पे व्हाइल इन्वेस्टिंग देयर डिविडेंड इन अल्टरनेटिव सिक्योरिटी. क्या बोल रहे हैं कि एक फर्म है जिसका KE हमें गिवन है 15%, उसका टैक्स रेट हमें बता रहे हैं कितना बता रहे हैं जी 40%, और ब्रोकरेज कितनी बता रहे हैं 2%. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग कितनी रहने वाली है, ये हम फाइंड आउट करते हैं. चलिए अब हम इसका फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करते हैं. सम बड़ा ही इजी है, KE ऑलरेडी इन्होंने कैलकुलेट ही करके हमें बता दी है, तो देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट KE. अगर ना निकालते तो हम इंफॉर्मेशन जैसी दी जाती हम वैसे कर देते. तो पहले KR फॉर्मूला इज KE 1 minus T 1 minus B. KE कितनी है 15%, 1 माइनस T कितना था 40%, तो ये लगता होता है जी 0.4, 2% 1 माइनस 0.02. ठीक है,
सॉरी, अब आप ये सारा सॉल्व कर देंगे। 15% मल्टीप्लाइड बाय 0.6 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 0.98। कैलकुलेटर उठा के बैठा करिए प्लीज, और ये आपके पास निकाल कर हमारे पास आंसर जो आ रहा है ये 8.82%। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये हमने कल्याणी की बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 17 जो है वो सॉल्व करी है यहाँ आपके साथ, ठीक है जी। तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आ गया है, डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि अगर आपका एग्जामिनर इस चैप्टर को 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल के लिए उठाता है तो ये वाला मेथड आने के क्या है चांसेस है। चलिए देखते हैं ये होता क्या है, वेटेज एवरेज होता क्या है, इसका क्या फॉर्मूला होता है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं बच्चों, सिंबल करते होते हैं। तो वेटेज एवरेज का जो सिंबल रहने वाला है वो रहेगा ये W, वेटेज एवरेज। अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, सिग्मा एक्स W डिवाइडेड बाय सिग्मा W, ठीक है जी। ये इसका क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। अब हम इसको देखते हैं कि हमने करना कैसे है। देखो मेरी बात सुनो आप, इसमें पहले तो आप सबका मतलब देखते हैं हम कि क्या होता है, x4 क्या है ना। यहाँ पे देखिए आपने टर्मिनोलॉजी लिखी है, सिग्मा तो आपको पता ही है एग्रीगेट होता है, एक यहाँ मैंने x वर्ड यूज करा है और एक मैंने यहाँ पे w वर्ड यूज करा है। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। x जो कॉस्ट हमने फाइंड किया है, कौन से स्पेसिफिक सोर्स है, जो हमारी पहले सारी सीरीज आ चुकी है, डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी है, रिटेन्ड है, ये स्पेसिफिक सोर्स है। क्वेश्चन में आपको बताया होगा या सीधा ही इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करी होगी, अगर उन्होंने नहीं करी हुई है तो हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। वेट, वेट इज प्रपोर्शन, प्रपोर्शन ऑफ फाइनेंस सोर्सेस, ठीक है। अब मेरा कितना प्रपोर्शन है वो मेरे को फाइंड आउट करना होगा। मैं जस्ट आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। लाइक ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि सारी जो भी हमारे पास लायबिलिटी साइड होती है उसमें इक्विटी कितनी है, डिबेंचर कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, ये लैक्स में है बट मैं जस्ट ये लिख रही हूँ। लाइक वहां पे आपके पास है 15, आपके पास कौन आ जाता है राजे, लैक इक्विटी है, 75 लाख आपके पास डिबेंचर है, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल, 10 लाख आपके पास प्रेफरेंस शेयर है, ये आपका टोटल कितना आ गया, 100 आ गया। अब जो टोटल 100 आ गया तो 100 का जो 15% रहेगा वो कितना है, इक्विटी, डेट कितना है 75% और प्रेफरेंस कितना है 10, ये आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट परसेंटेज करोगे तो वो कैसे होती है, पार्ट डिवाइडेड बाय होल इनटू 100। परसेंटेज का फॉर्मूला करवा रही हूँ सिक्स्थ क्लास वालों जैसे। पार्ट कितना है मेरा इक्विटी का, 15,
होल कितनी है 100 और मल्टीप्लाइड बाय होल कितनी है 100, तो ये कैलकुलेट करके मेरे पास कितना आ गया 15%। इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना आया, इक्विटी का वेट कितना आया 15%। ऐसे ही आप सबका फाइंड आउट करोगे। ये तो मैंने बड़ी इजी सी एग्जांपल ली है, तो क्वेश्चन में आपको ये अलग अलग अमाउंट दी होगी। तो ये आपका टोटल है, ये उसका क्या है पार्ट है, पार्ट को होल के साथ डिवाइड करके इनटू 100 करके हम परसेंटेज निकाल के डब्ल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या है उसका फॉर्मूला है। अभी तो बहुत इजी लग रहा है, एक सम करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए अपना सम देखते हैं। हाँ जी, अगेन ये मैंने कल्याणी की बुक से आपकी 21 इलस्ट्रेशन जो है उसी को एक्सप्लेन करा है। तो ये बोल रहे हैं, द फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ साराफ लिमिटेड एज ऑन 31st December 2013, जिसमें इक्विटी शेयर्स हैं 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। कितने हो गए ये 20 लाख हो गए। 10% प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं 100 ईच, ये कितने हो गए 8 लाख के हो गए। 12% डिबेंचर दे रखे हैं 12 लाख के, और इन सबको जब मैं टोटल करती हूँ तो ये कितना आ जाता है आपके पास 40 लाख। द मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर इज 110। देखिए पोस्ट प्राइस कितना था 100 और मार्केट प्राइस क्या बोल रहे हैं 110, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 10 पर शेयर वुड बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 1 ईयर। अब ये राजे वुड बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 1 ईयर, द डिविडेंड ग्रोथ रेट इज कितना बोल रखा है हमें 6%। तो जो ये 10 रुपी बोले गए हैं हमें, ये आपके पास क्या है D1। इफ द कंपनी इज इन 50% टैक्स ब्रैकेट कंप्यूट वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी 50% किसके में है टैक्स ब्रैकेट में है, तो आपने वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करनी है। इसका सेकंड पार्ट भी है, अभी मैं रीड आउट नहीं करूंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम जस्ट इसके फर्स्ट पार्ट को क्लियर करते हैं कि कैसे ये फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये सम को करने के लिए हमारे पास 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, एक है इक्विटी, एक है प्रेफरेंस और एक है हमारे पास डिबेंचर। आप देखिए कि प्रेफरेंस शेयर का 10% रेट इज गिवन, डिबेंचर का 12% के रेट इज गिवन। ये जो 10% है या फिर ये 12% है, ये इनका कॉस्ट है। क्या है राजे, ये इनकी कॉस्ट है, ये ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन में मेरे को क्या नहीं गिवन है, के ई इज नॉट गिवन, मेरे को फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्वेश्चन में। तो उसके लिए आप देखिए ये वाली मेरे को क्या दे रखी है, एग्जांपल दे रखी है कि मार्केट प्राइस 110 है, डिविडेंड 10 है और उसके ऊपर ग्रोथ रेट आपके पास कितना है 6% है। तो सबसे पहले मैं कुछ भी नहीं करूंगी, पहले मेरे को के ई की टेंशन है कि मेरी के ई क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं के ई को फाइंड आउट करूंगी। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम के ई जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो के ई, क्विक रिमाइंडर, के ई का आपके पास फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, के ई ये ग्रोथ वाला केस है और डी वन वाला केस है। डी वन डिवाइडेड बाय व्हाट, डी वन इज डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ठीक है, एमपी होगा क्योंकि एनपी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, आपके पास मार्केट प्राइस गिवन है तो मैं मार्केट प्राइस को ही कंसीडर करने वाली हूँ। इनटू क्या लगा देने वाले हैं 100 और प्लस इसमें क्या आ जाएगी ग्रोथ परसेंटेज। चलिए अब सारी इसकी क्या फिल कर लेते हैं हम, वैल्यूज फिल करते हैं। डी वन कितना गिवन था 10 रुपी, मार्केट प्राइस इज गिवन 110 इंटू 100,
ग्रोथ परसेंटेज इज 6%, ये भी मैंने फिल कर दी। चलिए अब साथ के साथ इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करिए। ये कैलकुलेट करके हमारे पास आ रहा है 9.09% प्लस क्या कर दूंगी बच्चों 6%, ये करके मेरे पास जो रेट आने वाला है वो आएगा 15.09%। डन, तो ये मेरे पास कितना आया 15.09% आ चुके। ठीक है जी, अब मेरे पास एक ही प्रॉब्लम थी कि मेरे पास के ई नहीं गिवन था क्वेश्चन में और मैंने वो के ई भी फाइंड आउट कर दिया है। अब मेरे पास तीन सोर्सेज हैं, तीनों का मेरे को के ई उसकी जो कॉस्ट है वो पता चल गई है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पहले क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मा एक सबसे पहले तो देखिए मेरे को ये पता होता है कि हमने फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या है मेरा, के डब्ल्यू सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। अब मैंने क्या करना है, इसमें ये एक्स और डब्ल्यू ये सारा कुछ मेरे को फाइंड आउट करने पड़ेगा। अब ये फाइंड आउट करने के लिए आप एक क्या बनाएंगे राजू, परफॉर्मा बनाने वाले हैं। वो कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ वेटेज एवरेज, डब्ल्यू ए डाला राजू मैंने, तो एक हम परफॉर्मा बना लेंगे सबसे पहले। उसके लिए हमें यहां पे हम बनाते हैं अपना फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फिर आपके पास आप एक लेने वाले हो प्रोपोर्शन और एक आप लोगे बिफोर टैक्स, एक आप लेने वाले हो आफ्टर टैक्स और एक आपके पास लास्ट में आ जाएगा वेटेज एवरेज। ठीक है जी, तो इसके हेडिंग्स आपके पास आएंगे। पहले कॉलम में हम लिखेंगे सोर्सेस, सेकंड कॉलम में उसकी क्या आने वाली है अमाउंट, देन आपका क्या आएगा प्रोपोर्शन, फिर आपके पास क्या आएगा बिफोर टैक्स और फिर आने वाला है 80 इज आफ्टर टैक्स, और यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन का आंसर आने वाला है वो है वेटेज कॉस्ट। अब पहले वन बाय वन हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पहला जो सोर्स है वो क्या है इक्विटी, पहला सोर्स है इक्विटी और उसकी जो मेरे को अमाउंट दे रखी थी वो दे रखी थी 20 लाख। ठीक है, सेकंड सोर्स था मेरा प्रेफरेंस, थर्ड सोर्स था मेरे पास डिबेंचर। प्रेफरेंस की जो मेरे पास अमाउंट है वो है 8 लाख और ऐसे ही आपके पास डिबेंचर की जो अमाउंट है वो है राजू 12 लाख। यहाँ अगर थोड़ा सा नहीं भी दिखाई देता है राजू थोड़ा सा, ये हम दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, 12 लाख था ना यहाँ पे, लीजिए। ठीक है, 12 लाख। अब मेरा मेन क्वेश्चन है कि मेरे को इसका प्रोपोर्शन निकालना है, तो मैं इन सब का क्या करूंगी राजू, सम करूंगी, इन सब को प्लस करके
आपके पास आने वाला है, क्वेश्चन में भी गिवन है 40 लाख, ये मेरा टोटल हो गया। मेरे को प्रोपोर्शन निकालना है कि इक्विटी कितने परसेंट है, प्रेफरेंस कितने परसेंट है, डिबेंचर मेरा कितने परसेंटेज है। तो उसके लिए मेरे को प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इक्विटी का क्या देखते हैं हम, प्रोपोर्शन देखते हैं, इक्वल टू पार्ट, पार्ट कितना है जी 20 लाख की है इक्विटी, फुल कितना है 40 लाख है हमारे पास, और इसको मैं मल्टीप्लाइड किसके साथ कर दूंगी, 100 के साथ कर दूंगी। तो ये करके आपके पास ये कितना प्रोपोर्शन आया, 50%, यहां पे आप फिल कर देंगे 50, 8 लाख। अब आपको प्रेफरेंस का क्या निकालना है, प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। अब मैं किसका प्रोपोर्शन निकालने वाली हूं, प्रेफरेंस शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का प्रोपोर्शन, प्रेफरेंस का प्रोपोर्शन क्या आने वाला है, वो 8 लाख के हैं मेरे पास, टोटल कितना है ये ध्यान से समझो जी, 40 लाख इंटू 100, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20%। तो ये मैंने ऐसे ही 20% फिल कर दिया। अब ऐसे ही मेरे को डिबेंचर फाइंड आउट करना है, चाहे आप इसको फाइंड आउट करिए चाहे ना करिए, आपको वैसे ही समझ में आ जाना है कि 50 + 20 कितना हो गया, 70 हो गया, तो 30% ही बचा तो वो डिबेंचर होएगा। एक बार हम कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। तो डिबेंचर का प्रोपोर्शन कितने हैं जी, 12 लाख डिवाइडेड बाय व्हाट, 40 × 100, ये कर करा के आप देखिए आपके पास 30% ही आता है। चलिए ये भी मैंने फिल कर दिया। तो इस वे में आप ये क्या फाइंड आउट करते हैं, प्रोपोर्शन जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कई सम्स में आपको ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया होता है, लेकिन मैंने इसलिए ये सम चूज करा है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 15 नंबर में एग्जामिनर ने डालना है तो एटलीस्ट वो इतना डिफिकल्टी लेवल तो रखेगा। अब मैंने जी यहाँ 2 कॉलम बनाए हैं, बिफोर टैक्स कॉस्ट एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट। इसको पहले फिल करते हैं, फिर मैं आपको इन दोनों का फंडामेंटल बताती हूँ। फर्स्ट मेरे को बिफोर टैक्स यहाँ पे जो जो मेरे को कॉस्ट दी हुई थी, आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे इक्विटी की कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करी थी। इक्विटी की कॉस्ट हमने फॉर्मूला लगाकर फाइंड आउट करी थी, 09, ये क्या है 09। और आपके पास ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, प्रेफरेंस की कितनी दे रखी है 10%, डिबेंचर की कितनी दे रखी है 12%, और 50% आपका क्या दे रखा है, टैक्स ब्रेक, ठीक है। याद रखिए प्रेफरेंस की 10% है और डिबेंचर की 12% है, और टैक्स ब्रैकेट मेरे पास क्या है 50% है। ये रहा, चलिए अब मैं अपना बिफोर टैक्स जो रेट है वो फिल कर दूंगी। प्रेफरेंस की राशि कितने परसेंट थी, 12% नहीं सॉरी 10% थी, और डिबेंचर की आपकी थी 12%। अब ये बिफोर टैक्स का रेट दिखा रखा है। देखिए इक्विटी और प्रेफरेंस पे टैक्स रेट अप्लाई नहीं होता, सिर्फ डिबेंचर के ऊपर आपका टैक्स रेट अप्लाई होता है। और आपने जब फॉर्मूला भी करा है तो आपको याद होगा कि जब हमने डिबेंचर वाला फॉर्मूला करा है तो उसके साथ जो
वन माइनस टी लगाते थे अगर टैक्स रेट आता था। प्रेफरेंस और इक्विटी के केस में ऐसा हमने कुछ भी नहीं करा, तो इस केस में इक्विटी और प्रेफरेंस के केस में ये सेम ही रहने वाला है 15.09 और ये 10, बट ये 12.50% हमारा रेट डिडक्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए 12 वन माइनस टी 12 वन माइनस 0.5, ये कैलकुलेट करोगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आफ्टर टैक्स डेट के ऊपर या कोई आपने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर भी टैक्स क्लोज लगती है, ठीक है। तो ये मेरे यहां तक सॉल्व कर दिया, 1 2 कॉलम नंबर, ये 3 कॉलम नंबर, दिस इज 4th कॉलम नंबर, दिस इज 5th कॉलम नंबर एंड दिस इज 6th कॉलम नंबर। अब मेरे को वेटेज क्या निकालनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या, हाँ जी, जो ये वेटेज कॉस्ट है ये हम फाइंड कैसे करेंगे, कॉलम नंबर 3 को कॉलम नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब प्रोपोर्शन को आफ्टर टैक्स कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। कैसे, देखिए ये रेज कर देते हैं हम, हाँ जी, यहाँ देखिए मैंने आपको बोला है कि आपको वेटेज जो कॉस्ट फाइंड आउट करनी है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आप 50 मल्टीप्लाइड बाय 50.09, दो वे आउट है बच्चा, या तो आप 50 जैसे हमने यहां बोला है x को w के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। आप इस दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर आप यहीं पे ही इसकी क्या फाइंड कर दोगे, परसेंटेज 50 मल्टीप्लाइड बाय दिस और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम 100 करते, तो आपका ये फॉर्मूला अपने आप ही यहाँ क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, 50 इंटू 15.09 डिवाइडेड बाय क्या कर रही हूँ 100। ये करने के बाद आपके पास आ जाएगा जी 7.55 यहाँ पे। फिर मैं 20 का क्या कर दूंगी राजू, 10% कर दूंगी, तो ये आ जाएगा 2, 3 कॉलम मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। 30 का आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 6% कर देंगे, ये आ जाएगा 1.80। अब इन सबको आप ऐड करोगे, 7.55 टू 1.80, इन सबको ऐड करके आपके पास आपका क्या आ गया बच्चा, ये आंसर आ जाएगा 3511 पॉइंट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5। ये मेरा वेटेज एवरेज है, ठीक है। अब राजू कंफ्यूज मत होना, ये मेरे पास आंसर आ गया, मैंने तो आपको फॉर्मूला बोला था सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, ये तो मैडम ने लगाया ही नहीं फॉर्मूला और ऐसे ही क्वेश्चन आ गया। अगर आपको ऐसे करना है सिग्मा एक्स डब्ल्यू और ये ऐसे, तो फिर उस केस में आपके पास क्या होने वाला है कि आप ये 15 जो ये हमने 15 करा ना 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 50 है ना, आप सिंपली ये मल्टीप्लाई करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 7.55। ऐसे ही जब आप नेक्स्ट करोगे क्या है वो 20 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 200, और ऐसे ही जैसे आप करोगे 30 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो ये आपके पास आ जाएगा 180।
इन सबको जब प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 1135। ये देखिए ये वाली फिगर आ गई। अब मैं इसको फिल कर देती हूँ। ये फिगर मेरी कितनी आई, 1135। इसको मैं 100 के साथ, टोटल जो वेट है वो 100 है मेरे पास, और उसको जब डिवाइड करूंगी तो आंसर वही ही आएगा, 11.35। अब तो सेटिस्फाई ना, ये दोनों केसेस सेम है। इसमें मैंने पर में ही डिवाइड करती रह गई थी, इसमें मैंने सबको क्लब करा फिर बाद में 100 के साथ डिवाइड किया। आपको जैसे दिल करे आप उस अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो मेरे पास रहा पार्ट वन, ये कौन सा केस हो गया राजे, पार्ट वन। अब मैं कौन सा आपके साथ केस क्लियर करते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन वैसे ही है, फिर वो बोल रहा है, अज्यूमिंग दैट इन ऑर्डर टू फाइनेंस एन एक्सपेंशन प्लान द कंपनी इंटेंड टू बोरो अ फंड ऑफ 20 लाख बेयरिंग 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसको एक्सपेंड करना है तो उसने एक लोन ले लिया। कितना लोन ले लिया, 20 लाख का, और उसके ऊपर 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। व्हाट विल बी द कंपनी रिवाइज्ड वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस फाइनेंसिंग डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डिविडेंड फ्रॉम 10 to 12। पहले हमारा 10 था ना डिविडेंड, अब 12 हो गया है, और प्राइस जो है इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम 110 to 105। पहले 110 प्राइस था मार्केट प्राइस, अब 105 हो गया है। इट मींस मेरे को KE भी दोबारा फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस केस में, और अब मेरे पास 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ना होके मेरे पास 4 सोर्सेज ऑफ क्या हो जाएंगे, फाइनेंस हो जाएंगे। ठीक है जी। अब आप पॉज करके मेरे वीडियो को आप इस को दोबारा कैलकुलेट करिए। ये उसी की ही क्या है, एक्सपेंशन है, बस आपने लोन का क्या कर देना है, इसमें एक्यूमुलेट कर देना, और उसके बाद जब आपका डन हो जाए तो दोबारा वीडियो चला के आप देखिए क्या आपने सही किया है या नहीं। दिस इज कॉल्ड अ सेल्फ टेस्टिंग। ठीक है, बाकी आप लोगों की जैसे इच्छा रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो इसमें मेरे को KE दोबारा से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, KE मैं दोबारा से फाइंड आउट कर देती हूँ, इसको भी रेज कर देते हैं सारा। चलिए KE फाइंड करेंगे। अब सारा कुछ ही चेंज हो गया है KE के रिगार्डिंग। KE में क्या बोल रहे हैं वो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आदत है कि मैं तो फॉर्मूला लिखती हूँ। D1 मार्केट प्राइस वाला केस है, इनटू 100 प्लस G%। ठीक है, तो अब मेरा D1 हो गया है 12, मार्केट प्राइस 105 हो चुका है, इनटू 100 प्लस 6% ही मेरा क्या है, ग्रोथ रेट है। जब आपने ये सारा आप सॉल्व करने वाले हैं तो आपके पास ये निकल के आएगा 17.43%। डन, ये मेरा KE जो है वो फाइंड आउट हो गया। अब मैंने क्या करना है बच्चा, अब मेरे को ड्रॉ करना है परफॉर्मा कंप्यूटेशन के लिए। चलिए करते हैं। सोर्सेस के लिए कॉलम, फिर अमाउंट के लिए, देन प्रोपोर्शन निकालेंगे हम फिर उसका, फिर हम बिफोर टैक्स करेंगे, देन हम आफ्टर टैक्स करेंगे, और लास्ट में मैं अपना वेटेज एवरेज निकालूंगा। तो सेम ही चल रहा है बच्चा। क्या है यहाँ पे, सोर्सेस है, कौन कौन से सोर्सेस है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, और एक नया सोर्स आपके पास आया है लोन। इक्विटी कोई चेंज नहीं आया है, 20 लाख था, 8 लाख मेरे पास था
प्रेफरेंस, याद होगा आपको 12 लाख था मेरे पास डिबेंचर, और अभी एक 20 लाख का मैंने क्या फाइंड आउट किया है, लोन दोबारा लिया है। ये सारा आप प्लस करेंगे तो आपके पास ये कितना आने वाला है, 60 है ये अमाउंट है। अब मैं इस बेसिस पे प्रोपोर्शन जो है मैंने आपको पहले भी सिखाया है, पार्ट डिवाइडेड बाय होल इनटू 100 करके आप फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आप खुद ही करेंगे, एक करके दिखा रही हूँ मैं, इक्विटी का चेंज हो गया है, अब बाकी आप खुद करेंगे, मैं जस्ट फिल कर दूंगी ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो जाए। 20 लाख डिवाइडेड बाय अब कितना हो जाएगा, होल इज 60 लाख इंटू 100, ये करके राजू आपके पास ये आ जाएगा 33.33। द सेम वे 8 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू 100, ये करके राजू आपके पास आ रहा है 13.33। एंड नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 20, और नेक्स्ट आपके पास निकल के आ रहा है 33 था ना, वही सेम 34 कर देंगे ताकि ये प्लस करके मेरे पास पूरा कितना आ जाए, 100 आ जाए, ठीक है। ये प्रपोर्शन अब हमने निकालना है बिफोर टैक्स। हाँ जी, इस केस में अभी हमने दोबारा निकाला है 17.43, ये मेरा कितना था, 10 था, और ये था मेरा 12, और जो ये नया केस आया है लोन का ये आया है 14। अब मैं निकालने वाली हूँ आफ्टर टैक्स, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन। 10 का 10 रहेगा, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7। ये कैसे था वो मैं समझा चुकी हूँ, टैक्स रेट लगा है डिबेंचर के ऊपर और लोन के ऊपर। अब ये करने के बाद आप अपनी क्या निकालने वाले हो, वेटेज कॉस्ट निकालने वाले हो। वन कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, 4, 5, 6। हाउ द सिक्स कॉलम कम्स, सिक्स कॉलम्स कम्स बाय मल्टीप्लाइंग थर्ड कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम, ठीक है। अगर थर्ड कॉलम को फिफ्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, तो ये वेटेज कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। तो ये करके मेरे पास आता है बच्चा 5.81, फिर आपके पास आएगा 1.33, देन 1.20 एंड 2.33। ये सारा हम क्या करने वाले हैं, अब ऐड कर देंगे, ठीक है। आप ऐड करेंगे इसको, ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ रहा है 10.67%। अब जो इसका सेकेंड वे आउट है वो वेट को डिवाइड करना, वो आप खुद ट्राई करेंगे, मैंने पिछले में आपको क्लियर करवा दिया है। तो ये मेरा सेकेंड पार्ट था, ठीक है जी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहिए इलस्ट्रेशन भी है। एक डिस्क्लेमर जो मेरे को लगता है, जो हमने अपना एक्सपीरियंस करा है, तो वो इलस्ट्रेशन में से ज्यादा क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट होता है देन बैक क्वेश्चंस। और अगर आप इलस्ट्रेशन को ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो अगर 10 का 20 लिखा आ जाता है देन सो व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता जी वहां पे। अगर 10 की जगह 20 लिखा आ जाए, फॉर्मूला अगर मैंने सही लगा दिया तो मेरा आंसर भी क्या आता होता है राजू, सही आता होता है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वेटेज एवरेज। और अगर 15 नंबर में होपफुली आया तो ये वाले क्वेश्चन की टाइप ही आपको आने वाली है, ठीक है। चलिए